तो नमस्कार दोस्तों, मैं सर टेलीकॉम से दुर्गेश और ये हमारी 28 की बैच, जैसा आप देख पा रहे हैं आज हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास एंड हुई है, 3 दिन की क्लास। तो चलिए ओवरऑल कैसी रही क्लास आज? बहुत आज की रही पूरी 3 दिन की सॉफ्टवेयर क्लास कैसी? बहुत नॉलेज वाली रही या विदाउट नॉलेज? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बताइए, जो हमने आपको पढ़ाया तो वो क्या यूट्यूब वाला नॉलेज दिया? जो यूट्यूब में लिखा हुआ है, जो समझाया गया है? अच्छा, कोई भी ड्राइवर, कोई भी टूल कब और कैसे डालना है, कितना डालना है और कितना सारा डाटा दिया मैंने? बहुत सारा डाटा सर, हमने वही डाटा दिया जो आपके मतलब का हो, जो काम का हो। ऐसा तो नहीं 2 TB का फाइल डाटा लिया और मैं उसमें डाल दूं। मुश्किल से मुश्किल 8 GB, मुश्किल से मुश्किल 8 GB पूरा काम हो जाएगा सर, चालू हो जाएगा भाई? ये तो ऐसा लग रहा होगा कि मजाक कर रहे हैं। प्रोफेसर स्टूडेंट को तो चलो ठीक है, तो एक बात बताओ, जो पहले से काम कर रहे हैं तो कि एक्चुअल में मैंने कोई डाटा मिसिंग किया नहीं? सर, पूरा डाटा दिया तुझे। यहाँ पे लाइव फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, कैसे ड्राइवर डालना है, सबने लाइव देखा है यहाँ पे। एक चीज और, जो हम सिस्टम पढ़ाते हैं वो किस में पढ़ाते हैं? अपडेटेड में कि डाउनग्रेडेड में? ऐसा तो नहीं बोलते कि विंडोज 7 बेस्ट है, लेकिन हम उसको खराब भी नहीं बोलते, हम उसको खराब नहीं बोलते। नॉलेज अपडेट वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दूसरी चीज कि सर, जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट करता है या मैं खुद ऑपरेट करता हूँ? ये ज्यादा अच्छा है कि वो ज्यादा अच्छा है? और जगह तो पहले से सब प्रिपेयर होके आते हैं, अपने लैपटॉप पे पढ़ाते हैं, यहाँ पे तो आपका ही लैपटॉप था और उसके सारे ड्राइवर्स को हमने देखा यहाँ पे। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? तो चलिए अब मैं कुछ सबसे तो नहीं पूछना चाहूंगा, बहुत बड़ी वीडियो होती है, तो मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट से पूछूंगा जो फ्रेशर स्टूडेंट और कुछ मैं पहले से काम कर रहे हैं उनसे पूछूंगा। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा जो पहले से काम कर रहे हैं, तो चलिए आप खड़े हो जाइए, अपना नाम और आप कहाँ से? सर मैं कन्हैया कुमार, बिहार के मोतिहारी जिले से हूँ। कन्हैया जी बताइए, कितने सालों से सॉफ्टवेयर का काम कर रहे थे? सर मैं 6-7 साल से करता हूँ। 6-7 साल का एक्सपीरियंस और 3 दिन का एक्सपीरियंस बताइए। बहुत मन के अंदर बहुत सारा डर बना रहता था, किसी फ्लैश फाइल किसी मोबाइल को फ्लैश करते समय कहीं डेड ना हो जाए, वो सारा डाउट क्लियर हो गया। फाइल कैसे पहचानना है कि उसी मॉडल का फाइल है? आज जो हमने सैमसंग की क्लास बताई, तो क्या सैमसंग का इतना नॉलेज था आपको? जी नहीं सर, फ्लैशिंग का उतना नॉलेज नहीं था। फाइलों का जो मेरा पूरा फाइल पढ़ना होता है शुरू से लेके एंड तक, पूरी पहचान बता सकते हैं कौन सा फाइल है, किस साल की है, किस अपग्रेडेड है कि डाउनग्रेडेड है। तो कैसा रहा ओवरऑल आपको यहाँ पे 6 साल में, आपको लगा कि अपडेट होने चाहिए, तो क्या डिसीजन रहा आपका, सही रहा या गलत? अच्छा लगा सर, मतलब हमको बहुत उस चीज की जरूरत थी। चलिए अब आप एक बात बताइए कि फ्रेशर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको कितनी मेहनत करनी है इसके बाद? मेहनत तो करना है सर, मेहनत तो करना है, पर आपने जो 6 सालों मेहनत की, तो क्या उतनी मेहनत अब इनको करनी पड़ेगी या इनसे कम करनी पड़ेगी? बहुत कम। एक बात बताओ, आपके लेवल में खड़े हो गए फ्रेशर? सर बिल्कुल खड़े हो गए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, वैसे चालू करते। चलिए अब हमारे साथ एक स्टूडेंट और, बताइए अपना नाम और आप कहाँ से? शब्बीर। सर सबीर जी, जम्मू कश्मीर से इतनी दूर आ पाए, सॉफ्टवेयर का काम पहले करते थे आप? हाँ सॉफ्टवेयर का काम कितने सालों से कर रहे हैं? 2-3 साल से बिल्कुल ही कर रहा है। अब तो 3 सालों का, और आपसे भी सवाल, 3 दिन का सफर बताइए। सर बहुत बढ़िया है, बहुत चीज़ें सीखने को मिली है, ऐसा सोचा नहीं था। जी जी, और सॉफ्टवेयर हमारा लिमिटेड था। जी जी, अभी टूल्स के बारे में, ड्राइवर्स के बारे में बहुत नॉलेज हुआ। जी जी, अभी कोई भी फोन हो, किसी भी कंट्री का भी हो तो कर सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो बोलते हैं यार, ऑनलाइन क्या है ऑफलाइन क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब ड्राइवर पे डिपेंड होता है, लोडर पे डिपेंड। लोडर, वेरी गुड, लोडर पे डिपेंड होता है। किस पे होता है? लोडर है तो कर पाएंगे, नहीं है तो वो भी है हमारे पास तरीका, समझ आ रहा है? तो कैसा रहा आपका ये 3 दिन का सफर? बहुत बहुत एक्सपीरियंस। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब हम एक और स्टूडेंट से पूछना चाहेंगे। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम है जयंत दास, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से इतनी दूर, तो कितने सालों से सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं? सर 5 साल से। तो ये 5 साल, तो चलिए मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा, अब आप हमें ये बताइए कि चलिए आप लोग जो पहले से काम कर रहे हैं और जो फ्रेशर स्टूडेंट है, तो फ्रेशर को तो हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, पर जो पहले से काम कर रहे थे क्या उनको भी हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं? नहीं सर, नहीं सर। तो एक बात बताओ, जो इनको फ्रेशर को नॉलेज दिया है वो कैसा नॉलेज मिला है? सर इनको जो नॉलेज मिला है, हमने 5 साल में जितना नॉलेज इकट्ठा नहीं कर पाए, इनको सर 3 दिन में नॉलेज सर ले लिया, क्योंकि इनको और ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी कुछ कुछ काम करने के लिए, कोई इधर उधर या फिर यूट्यूब देखना कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर वो हमारे नोट्स को पढ़ेंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो आपका ओवरऑल कैसा रहा?
सर बहुत अच्छा रहा क्योंकि सर जो फाइल डाउनलोड करने में जो दिक्कत रही थी वो क्लियर हो गया, ड्राइवर डालने में जो दिक्कत थी वो भी क्लियर हो गया। हमने मानता था कि विंडोज 7 बेस्ड है, लेकिन यहाँ आके यहाँ क्लास करके समझ आया कि सर जो लेटेस्ट है वही बेस्ड है, उसमें ही काम करने से बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। ये चीज आपने पूरा लाइव देखा था? लाइव देखा सर। तो कैसा रहा ओवरऑल? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, एडवांस लेवल सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब मैं सबसे रिव्यू ऐसा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? चलिए मैं अब ऐसे स्टूडेंट से पूछूंगा, फ्रेशर स्टूडेंट से, उनका क्या कहना है। तो चलिए आप खड़े हो जाइए। तो बताइए अपना नाम और आप कहां से? सर मैं मिलन रोजगंगा से। मिलन जी बताइए कि काम करते थे या नहीं करते थे? सॉफ्टवेयर का काम नहीं करते, हार्डवेयर करते थे। हार्डवेयर का काम, सॉफ्टवेयर का काम किसको देते थे? पास में एक दुकान था उसको देते थे। अब उसको दुकान वाले का काम करेंगे या फिर से वही देंगे? दुकान वाले का काम करेंगे। काम करेंगे। क्या बोलता था आपको? अरे ऑनलाइन का इतना पैसा लगेगा, ऑफलाइन का सब? वो कहता था कि ये फोन ऑनलाइन है, इसका इतना पैसा। टाइम कितना? चलो पैसा तो चलो ठीक है, टाइम कितना लेते थे? और आप कितने देर में आप करके दोगे? दो मिनट के बाद। करके दे देंगे? देखो यार आपके पास फाइल है, आपके पास टूल है, तो वेट करने की जरूरत नहीं है। वही तो नॉलेज है हमारे पास, क्योंकि हमने उस टाइप का नॉलेज लिया तो टूल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू। एक अपना नाम और आप कहाँ से? जी सर आकाश, मुंबई से। आकाश जी बताइए कि पहले से सॉफ्टवेयर कर रहे थे या नहीं कर रहे? तो अभी क्या लग रहा है, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? 100% करोगे सर। करने पाएंगे? एक बात बताओ कि पहले तो सोचे थे यार इंग्लिश की जरूरत होगी, बहुत सारा इंग्लिश का जरूरत पड़ेगा, तो क्या वो सब पढ़ा गया? नहीं सर, खाली फाइव स्टेप जो है ना वो फॉलो करने, बस। फाइव स्टेप में जॉब डन हो जाएगा? यस सर। अभी का हो जाएगा? यस सर। आपका कैसा थ्रू आउट रहा? बहुत बढ़िया सर, कर पाऊंगा अभी तो। कर पाएंगे? कॉन्फिडेंस उस टाइप का हो गया? हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। एक लास्ट बताइए अपना नाम। राकेश, राजस्थान। राकेश जी आपको हमने इसलिए खड़ा किया कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि सारा ऑपरेट आपने ही किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप भी बताइए सॉफ्टवेयर के बारे में। सर सॉफ्टवेयर में क्या है, पहले तो जैसे हमारे पास आता था फोन तो दूसरे शॉप पे करवाने जाते थे, एक दो बार उनके पास सिस्टम में भी चेक किया तो उनमें क्या पूरा लैपटॉप भरा हुआ रहता था, इतनी सारी फाइलें देख के करके इनसे डर लगता था कि अपन नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ आने के बाद मतलब ऐसा लगा कि फाइव स्टेप में इजी हुई, कोई सा भी फोन हो। तो फाइल अपने डेस्कटॉप भरना मैटर रखता है कि काम मैटर रखता है? आपको वही पढ़ाया जो एग्जैक्ट होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, आपका ओवरऑल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। तो लास्ट में सबसे पूछना चाहूंगा कैसी रही सॉफ्टवेयर की? चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये रही पूरी, बस ओके। अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपो निकालने वाले हैं?